तन्मय, आप बहुत क्यूट लग रहे हो इस धोती में. थैंक यू. ओके, फिलहाल हम जजेस से पूछते हैं. शुरुआत करेंगे अनु जी से. दरअसल वीर सेनानी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ये कविता गुनगुनाया करते थे, और जिनके साथ उनकी कुड़माई हुई थी, जिनके साथ उनकी सगाई हुई थी जी, उन्होंने जाके ये बोला था कि भाई तुम किसी अपने माता पिता को बोलो कि वो कहीं और तुम्हारा रिश्ता कर दें, क्योंकि मैंने तो आजादी के साथ अपना रिश्ता तय कर लिया है. तो बड़ी कमाल की बात थी, हमारे यहाँ ऐसी वीरांगनाएं हुआ करती थी. तो आप ताज्जुब करेंगे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को फांसी लगी, उसके बाद जो उनकी मंगेतर थी उन्होंने सारी जिंदगी भर शादी नहीं की, और वो स्वर्गीय शहीद भगत सिंह जी की विधवा के नाम से ही जानी जाती रही. ये देशभक्ति की भावना, देश सर्वोपरि है, उसके बाद सब कुछ है. ना मेरी माँ, ना मेरी पत्नी, ना मेरा बच्चा, मेरा देश मेरी लिस्ट में सबसे पहले है. इसलिए ये बच्चे ने जो गाना गाया मेरा रंग दे बसंती चोला, इसके लिए एडिशनल मार्क तो दूंगा मैं, तो गाने के लिए मैं मार्क काटूंगा मैं. थैंक यू अनुज जी. ना जी, नहीं, गाना तो ऑफकोर्स बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि यू नो कौन सा गाना गाया, वी हैव टू सी कि उसने गाना कैसे गाया. तो गाना आपने अच्छा गाया, बहुत अच्छा नहीं गाया, बेहतरीन नहीं था, आउटस्टैंडिंग नहीं था, मतलब दिल से आवाज नहीं निकली ऐसे लगा मेरे को. थैंक यू कुणाल जी. राखी जी, मैं ज्यादा क्रिटिसाइज ये गाने को नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज ये देशभक्ति का सॉन्ग है. जैसा भी गाना गाया है, आई फील के आई प्राउड ऑफ यू, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है गाना. मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा अपने दोनों जजेस को कि इसके बाद तो फिर मतलब सब बच्चे देशभक्ति के गाने गाते रहेंगे और आप तो पॉइंट्स तो काटोगे ही नहीं, तो ये गलत बात है. आई मीन जो भी गाना गाया हो, वी कांट गेट इमोशनल अबाउट अ सॉन्ग. नो नो नो, चॉइस अ सॉन्ग सिलेक्शन शुड नॉट मेक यू इमोशनल, बिकॉज देन इट्स नॉट फेयर ऑन द अदर चिल्ड्रन. नहीं, ऑफ कोर्स हमने कह दिया, देखिए हमने कहा उसको गाने में गड़बड़ हुई, वो पॉइंट कटेंगे, बिल्कुल पॉइंट कटेंगे डेफिनेटली. तो फिर अगली बार सब बच्चे जो गा रहे हैं वो भी बोलेंगे कि हम भी पेट्रियोटिक सॉन्ग. मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में एक ऐसा टाइम आ जाए कि क्या 26 जनवरी, क्या 15 अगस्त, दिवाली और होली पर भी भारत माता के गाने गाए. क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है सर, जस्ट बाय सेइंग समथिंग पेट्रियोटिक एंड गेटिंग क्लैप्स, दैट डजंट मीन दैट द कॉम्पिटिशन गोज फॉर अ टॉस. मेरा ये ऑब्जेक्शन है, एंड इट्स एंड आई हैव अ राइट टू हैव एन ऑब्जेक्शन. यू हैव अ राइट टू गिव पॉइंट्स हाउ यू वांट टू, बट आई हैव अ राइट टू मेक द ऑब्जेक्शन दैट आई फील पर्सनली, दिस इज माय पर्सनल जी ओपिनियन, दैट इट इज रॉन्ग टू गिव अ प्लस पॉइंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ सॉन्ग. पेट्रियोटिज्म एक तरफ. नहीं सर, पेट्रियोटिज्म अभी तो एक तरफ मत कीजिए. नहीं सर, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट पेट्रियोटिक. नो नो नो, आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग, बट मैं वही कह रहा हूँ कि गाने के सिलेक्शन के लिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा देना मेरे हिसाब से इज अनफेयर टू द अदर चिल्ड्रन. आप मत दीजिए, जो भी चिल्ड्रन गाएगा पेट्रियोटिक सॉन्ग उसको मिलेगा. तो मैं ऑफिशियली बोलता हूँ कि मैं इस बात को ऑब्जेक्ट करता हूँ. एक बात सुनिए, आप लोग यहाँ पर इमोशंस की बात आ रहे हैं, यहाँ पे आपका बड़ा एक पर्सपेक्टिव आ गया कि आपने यहाँ पे कह दिया कि हम सिर्फ इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं. यहाँ पर जितने वल्गर गाने होते हैं उसके ऊपर आपने कभी बिल्कुल, मैंने पहले ऑब्जेक्शन बात कर रहे हैं आप. एक्सक्यूज मी सर, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जेक्ट. सॉरी सर, आप इस चीज के ऊपर मत बोलिएगा. मैंने अपने जज्बात बोले, आपने बोल दिया, मैं सुन लिया. बिल्कुल इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का. बिल्कुल देखिए, सर इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का. I'm sorry, I cannot share a platform with someone who doesn't know how to behave himself. देश की बात नहीं तो ये करने रहे. सर, देश की बात आती है तो ये. क्या बात है, गोली मार दी, मार दो ना.
अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ उससे कुणाल जी इतने परेशान हो गए कि वापस सेट पर नहीं आए। तन्मय और खुशी की जोड़ी को जजेस के स्टार्स मिले ही नहीं, इसलिए अब खुशी और तन्मय की जोड़ी का क्या होगा इसका फैसला करेंगे आपके वोट्स। सर मैं बस एक एक चार लाइनें में सुना के मैं जा रहा हूँ। सर मैं भी जा रहा हूँ सर। बी बी बिगुल बज रहा आजादी का, बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से, एक बात कहनी है लेकिन, एक बात कहनी है लेकिन, आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना कदम कदम पर छुपे हुए गद्दारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक पॉइंट रखा था और मेरा पॉइंट ये था और ये है कि हम यहाँ पर जज हैं एक बच्चों के रियलिटी शो का। गाने के सिलेक्शन के लिए हम उन्हें पॉइंट्स नहीं दे सकते। पॉइंट्स दे रहे हैं हम गायकी के ऊपर, पॉइंट्स दे रहे हैं हम डांस परफॉर्मेंस के ऊपर। दैट्स इट। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि बाकी बच्चों पर ये फेयर नहीं होगा। अनुजी ने उसे किस तरह से इंटरप्रेट किया वो मैं नहीं कह सकता,